या इसका डिस्कशन ही करना है तो फिर तो हम कहेंगे कि भाई ये तो जीरो पर देख करके तो इसका हम डिस्कस करेंगे, तो हम कहेंगे कि भाई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए ये वैल्यूज वैलिड नहीं है, एक्स माइनस तीन और माइनस चार नहीं हो सकता। अब दूसरे के पास आओ, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व है, इसमें मैंने मिडल पार्ट सिंप्लीफाई करके देखा तो एक्स माइनस चार और एक्स माइनस तीन इस तरह से आया और कहा कि भी एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी रखनी है, तो फिर यहाँ देखे भी एक्स बराबर तीन और चार के लिए जीरो है, ये एक्स की वैल्यू तीन कौन है पॉजिटिव, चार भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ निर्देश क्या है कि एक्स मस्ट बी लेस देन जीरो, इसको अभी माननी है इसकी कही हुई बात और इनकी भी माननी है, दोनों की माने ये क्या बोल रहा है भाई एक्स जीरो से छोटा हो, ये क्या बोल रहा है एक्स तीन और चार के बराबर हो, तो दोनों में कंट्राडिक्शन है, इसका मतलब ऐसा एक्स हो ही नहीं सकता जो दोनों की बात को पूरा कर दे, ठीक है ना। मान लिया इसको जीरो बनाना है हमने, तो इसका तात्पर्य यही हुआ कि भी तो गड़बड़ा गया काम, क्योंकि गड़बड़ाना था ही, क्योंकि यहाँ यदि क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है हमेशा पॉजिटिव है, ऊपर देखो एक बार ध्यान से, एक बार मैं इसकी अकेले की बात करूं, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, ठीक है ना भाई, इस अकेले के बारे में और कुछ भी नहीं दिया है और कहा है कि भी इस के बारे में सारी बात बताओ, तो हम कहेंगे भी पैराबोला है, इसके दो रूट हैं माइनस चार और माइनस तीन के रूप में, अपवर्ड पैराबोला है, ये नेगेटिव वैल्यू भी देगा किस किस के बीच में, माइनस चार और माइनस तीन के बीच में, और बाकी माइनस चार से बड़ा नहीं माइनस चार से छोटा और माइनस तीन से छोटे के लिए देखो ये यही है इसके ग्राफ की स्थिति, सिर्फ कुछ और नहीं दिया और कहा कि भी मान लिया ये है इसके बारे में, तो ये आगे यूं बढ़ा करके इसका डिस्कशन हो गया, हमने मोड लगाया इसके ऊपर और फिर बोले कि भाई अब बताइए, तो हम कहेंगे कि भाई ये तो जो जीरो, क्योंकि हम क्या करते हैं कि जीरो के हार बाहर कुछ वैल्यूज देखते हैं, एक तो एक्स बराबर जीरो डाल के देख लो, एक फिर रूट देखते हैं, क्योंकि जो रास्ता हमने तैयार करना है उसमें एक्स की वैल्यू ही तो डाल के देखनी है, तो यहाँ बोले भाई एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी रखो, तो फिर रास्ता तैयार करो, लोकस तैयार करो, एक्स की वैल्यू डाल के वाई तैयार करो, एक ही बातें हैं, तो यहाँ से हम देखते हैं कि भाई जीरो पर तो 12 है ये, जैसे मान लिया एक्स की वैल्यू जीरो और 12 यूनिट वाई एक्सिस के ऊपर एक बिंदु का नाम दे दिया जिसे कोऑर्डिनेट 0, 12 है, फिर कहा कि भी एक्स की वैल्यू रखो इसमें आगे बढ़ाते हुए ग्रेटर देन जीरो, तो क्या होगा कि भी तो क्लियर है बढ़ता जाएगा, यूं चला जाएगा इसका ग्राफ, तो समझ में आया। अब चलते हैं लेस देन के लिए, बोले भी लेस देन जी बराबर का निशान होता तो फिर भी 12 था, यदि हम लेस देन इसमें वैल्यू डालते हैं तो लेस देन में क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ा, एक्स स्क्वायर तो ठीक है ऐसा ही है, यहाँ लेस देन में क्या हो गया, जैसे यहाँ मान लिया मैंने 2 डाला था तो 7 × 2 = 14 प्लस का हो गया, यहाँ यदि माइनस 2 डाल दूँ मैं तो ये भी 14 हो गया, बिल्कुल जैसे वाई यहाँ दिखेगी उसी प्रकार से वाई यहाँ दिख जाएगी, ठीक है ना भाई, इसका ग्राफ ये हुआ, तो मतलब क्या है फिर ये, मतलब क्या कंक्लूजन ऐसा मिला कि भाई हम बार बार ग्राफ ना खींच करके कोई ऐसा सा कोई सूत्र मिल गया हो जिसे हम तुरंत हम उसका ग्राफ खींच दें, तो उसके लिए एक फार्मूला सा यहाँ डिस्कशन के रूप में हम देखते हैं कि भाई इसका निष्कर्ष क्या आया। तो जैसे और ले लो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ले लिया, या चलो हम माइनस चार ले लेते हैं, एक इसके ऊपर और देखो, तो चलो इसका ग्राफ देखते हैं, तो इसका मिडल पार्ट तोड़ा तो ये आया भी एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है भाई, फिर बोले भी जीरो एक्स बराबर चार यहाँ से लगभग एक्स बराबर माइनस एक यहाँ से जिस इसकी बात करी जाए, तो ये इसका ग्राफिकली
डेमोस्ट्रेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है भाई, दो रूट हैं, रियल रूट आ गए, नीचे नेगेटिव आ गया। पिछले एक शुरुआत जब हम करी थी, मोड लगाएंगे तो ये यहाँ से यू टर्न होकर के नीचे वाला मिटा दो। फिर अलग अलग मोड लगाते हैं, इसके -3x -4, यहाँ बोला था अभी मोड की ज़रूरत नहीं है, तो है ही हमेशा पॉजिटिव। तो अब इसमें, तो इसमें जो फार्मूला है हमारा, उसका तात्पर्य क्या हुआ कि तुम्हारा जो, क्योंकि इसमें क्या दिखाई दिया कि भी तुम जो x की वैल्यू पॉजिटिव रख रहे हो, जैसे मान लिया 5 रखी, तो 5 रखने पर जो उत्तर देगा, जैसे 5 यहाँ 5 का स्क्वायर -3 गुणा में 5 और -3, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हमें। और यदि मैं -5 रखूं, तो -5 रखने पर मोड हटाऊंगा तो मैं माइनस यहाँ पहले से ट्रीट करूंगा एक माइनस एक्स के रूप में, और एक माइनस और रख दिया तो कोई फर्क थोड़ी पड़ा है। जैसे मैंने इसमें 5 रखा, तो 5 रख दिया तो ये 25 -15 और -4 यानी 6 वैल्यू दी। और यदि मैं इसमें -5 रख दूं, तो देखो 25 -3 गुणा में -5 का मोड 5 यानी 5 और -4 कोई फर्क नहीं। तो इसका मतलब ये है कि भी x की वैल्यू चाहे पॉजिटिव रखो, जैसे x की वैल्यू मान लिया 3 रख दी, और इधर मैं -3 रखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, y की ऊंचाइयां मुझे बराबर मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि ग्राफिकली जब देखें तो सबसे पहले हम जो ग्राफ हमारा फॉर ऑल एक्स बनता है, जैसे यहाँ कंडीशन आ गई है हमारी के भी एक्स मोड के लिए, तो हम क्या कर लें, जो ग्राफ ग्रेटर देन जीरो के लिए तैयार हुआ है, या जीरो भी बोल दें, जैसे इस ग्राफ को तो मिटा दो। क्यों मिटाया है ये ग्राफ, क्योंकि जब मोड लगा दिया है तो पॉजिटिव एक्स के लिए ग्रेटर देन और जीरो भी शामिल, एक्स पॉजिटिव और जीरो के लिए जो ग्राफ आया है उसी ग्राफ का रिफ्लेक्शन तो है इस साइड में। मेरा मतलब ये है कि भी एक्स बराबर 5 रखा था हमने, ये सारे की वैल्यू हमें पॉजिटिव नेगेटिव मिल सकती है, वो अलग चीज है। जैसे नीचे देखो ये नेगेटिव आ गया, तो जो भी ग्राफ हमने वाई एक्सिस की साइड में जो तैयार किया है उसी ग्राफ की इमेज या पलट दो इस साइड में। पलटने का मतलब मेरा ये है कि भाई यहाँ से थोड़ा सा मोड़ दे के और ए यू सी इसी ग्राफ की स्थिति आ गई। समझ में आया भाई, जैसे कि ये दिखाई दिया था, क्योंकि जो ग्राफ इसमें राइट हैंड साइड में है उसी को पलट दिया। इसमें भी आई थी कि भी जो ग्राफ हमारा इस साइड में फ्रीली ग्राफ बना लिया, और ले लेते हैं कोई भी एग्जांपल, जैसे एक्स केयर पल -5, इसके इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स केयर -5 का जो ग्राफ है वो खुद ही रहेगा, क्योंकि जो एक्स है ना उसकी वजह से समस्या आ रही है। तो हमने ले लिया भी -5x+6, या फिर 6, ये माइनस का 6 ले लिया। ठीक है ना, फैक्टराइज यदि हम करें तो माइनस का 6 और प्लस का 1, ठीक है भाई, मतलब यहाँ x -6 और इंटू एक्स प्लस 1, इसी की प्रोडक्ट मैंने ऊपर लिख ली है। अब कहा है कि भी इसके ऊपर मोड लगाओ, तो मोड का मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन में लिख लिया, तो फिर एक्स स्क्वायर -5x mod -6। तो यहाँ फिर हमने अभी एक निष्कर्ष निकाला था, अभी इसके तो दो रूट हैं, रियल रूट हैं, किसके, बिना मोड वाले के। कौन कौन से हैं तुरंत देखे, बाद में मोड वाले को बाद में देखेंगे हम।
बोले भी x बराबर है, जैसे यहाँ देखे भी x माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस वन, तो x से सिक्स नियरली यहाँ से और ये माइनस वन, तुमने कहा भी ग्राफ तो यूँ चलेगा, तो हम कह हमने अभी बोले तो भी x जो पॉजिटिव है ना उस ग्राफ को पहचानो, तो जैसे x बराबर जीरो के ऊपर ये माइनस छः है, नीचे यूँ सी तो आता हुआ दिखाई दे रहा है ये ग्राफ, तो ये ग्राफ बना लिया, यहाँ से कहीं मोड़ लेगा वो यूँ सी, इस प्रकार से इसकी कंडीशन जा रही है, सिर्फ x इज जो पॉजिटिव है ना x एक्सिस उसके उसके उसकी वैल्यूज के लिए ये y कैसी है वो ये दिखाई देगी, और इसी को ही एकदम इसका रिफ्लेक्शन दे दो, बिल्कुल सेम आकृति साइड में बना दो। तो अब देखो क्या क्या हम अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हम मान लिया इसकी ये है और इसको मैंने मान लिया बराबर जीरो है, कहा कि इसके सॉल्यूशन बताओ, तो हम कहेंगे इसके तो दो सॉल्यूशन हैं, कौन से दो सॉल्यूशन, जो x बराबर है यहाँ कौन है, जो छः था वही तो है, ऊपर देखो एक बार x माइनस सिक्स एक्स प्लस वन, हमने ये बताया कि x बराबर छः पर ये जीरो है, छः तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर ग्राफ हमने तैयार कर लिया आगे आगे, और उसी को आगे इधर पलट दिया, सीधी सी भाषा में बोले तो एक तो ये और एक माइनस छः, क्योंकि ये यदि छः है तो ये माइनस छः है, फिर तो ये जो हमारा जो जीरो बनेगा ये सिर्फ जैसे छः डाल के देखो, छः छः छत्तीस, प्लस का छः माइनस तीस और माइनस छः, छत्तीस माइनस छत्तीस जीरो, एक यदि मैं माइनस छः डालूँ इसमें तो भी जीरो होगा, एक यदि ये प्लस वन डालूँ तो अब जीरो नहीं होगा, ये देखो ये तो प्लस वन यानी एक्स बराबर है माइनस वन के लिए जीरो हो गया, ये तो फैक्टर है इसका, ये नहीं है अब क्योंकि माइनस वन का अस्तित्व ही नहीं है, वो तो प्लस वन की तरह काम करेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू माइनस वन डालोगे इसमें, एक बार देख लो माइनस वन का स्केयर वन भी हो गया, माइनस पाँच इंटू वन नोट माइनस वन, तो ये जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये रूट नहीं है, तो वो हमने रिजेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब है कि इसके दो सॉल्यूशन हैं। तो एक बार मैं तीन प्रकार के मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए, तीन का मतलब है मैं एक बार फिर दोहरा लूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक मैंने ये लिखा, एक लिखा भी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, एक लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, यानी एक ही क्वाड्रेटिक के मैंने चार पार्ट बना लिए। अब इसमें तो क्या है, जैसे सम रिस्पेक्ट ऑफ द रूट्स अनुमान लगा लो है माइनस फाइव, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है सिक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों रूट हैं वो नेगेटिव हैं, यानी x की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर दोनों हमने नेगेटिव, कौन कौन सी नेगेटिव हैं, माइनस तीन और माइनस दो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट आई है मतलब मिडल पार्ट स्प्लिट करके या सीधा भी, तो हम कहेंगे कि भाई यदि ये कंडीशन आई है तो हम मोड लगा दें, जैसे नाउ वी कंसीडर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू एक्स मोड, जैसे ये बराबर जीरो, ये बराबर जीरो, ये सवाल ही दे दिए मान लिया बराबर जीरो कह के, तो जीरो के लिए तो सिर्फ इतना इतना ही उत्तर देना होता है भी एक्स बराबर, अब प्लस छः बोल के और इसको कह दिया भी बराबर जीरो, तो इसके लिए कह एक्स की वैल्यू जो इसको जीरो कर दे, तो हमें अभी जो ऊपर सारी डिस्कशन तो हम अलग अलग यदि मोड लगा दें तो ये बात हुई थी कि भी एक्स एक्सिस के इस साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जो ग्राफ है उसी को पलटता बाकी मिटा देते हैं, जैसे ये मिटा देंगे, तो इसका मतलब ये है कि भी इसका तो सॉल्यूशन ही नहीं है,
नो सॉल्यूशन, कोई भी एक्स की वैल्यू है ही नहीं जो इसको जीरो कर देगी, क्योंकि ग्राफ ने एक्स एक्सिस जो नहीं काटा इस, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ये देखो इसके दो सॉल्यूशन थे, दोनों नेगेटिव थे, मोड अलग अलग लगाया, नो सॉल्यूशन, ग्राफ जरूर चलेगा जो कि इस प्रकार से चलेगा कुछ। फिर बोले मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो ये एक्स की वैल्यू जैसे यू तो जमा का है, ये भी जमा का ही है, छः तो मिनिमम है, जीरो पर खड़े होकर के देखा तो छः ऊंचाई है, और कहीं खड़े होकर देखोगे तो वो छः से बड़ी ही दिखाई देगी, तो इसका मतलब मिनिमम छः है। अब आए इसके ऊपर, कहे कि भी चलो ये जीरो था, इसके दो पॉजिटिव रूट हैं, ठीक है ना भाई, तीन और दो के रूप में, तो हम इसको मोड लगा के देखते हैं क्या घटना घटेगी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सिर्फ एक्स जहाँ दिखे वहाँ मोड लगा दिया और बराबर जीरो कह दिया, कहे कि भाई अब कितने सॉल्यूशन हैं, तो अब हम ग्राफिकली अलजेब्रिकली जो भी दिया है किसी प्रकार से सरल कर लो, सारी बातें एक सी हैं। यदि गया, फिर हमने क्या किया कि भी अलग अलग मोड लगाया गया है, प्रश्न को देखा ध्यान से, तुम कहेंगे तो ग्राफ हमारा तैयार है, उसी को पलट दो और इधर जो पहले ग्राफ आ रहा है उसको मिट है, ये कोई काम का नहीं है, इसको दो हर जगह वाई एक्सिस की साइड में जो है वो सेम इमेज इस साइड में तैयार कर दो। अब देखेंगे इसके क्वेश्चन बिल्कुल, ये जो हमारा दो है और ये तीन है, जैसे इस क्वेश्चन अनुसार ये जो सेकंड जो टाइप है दो और तीन, तो इधर क्या इसके चार हल आ जाएंगे, जैसे डाल के देख लो, यदि x बराबर है माइनस तीन डालोगे तो भी जीरो हो जाएगा ये, माइनस दो डालोगे तो भी जीरो उत्तर देगा, दो और तीन डालोगे तो भी जीरो उत्तर देगा, क्यों दे, क्योंकि दो डालने पर देखो ये पार्ट बदल नहीं रहा है, या माइनस दो डाल दो या दो डाल दो, ये तो ये ऐसा ही काम करेगा, बाकी पर तो कोई असर ही नहीं है, ठीक है ना, ये तो मतलब जिसने बदलाव लेना है वो बदलाव हो नहीं रहा है वास्तव में, तो इसके जैसे इक्वेशन सोल्व करनी हो तो या यूं कह दे कि हाउ मैनी रूट्स ऑफ दिस क्यूआडिट इन मॉडुलस फोरम, तो फोर रूट है, इसके कितने रूट है, नो रूट, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इसका, जो पहली फोरम है मोड में उसका ये, दूसरे की ये, उसको देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स, तो देखें भी मिडल पार्ट्स तो निकाली तो वो तो ग्रेटर देन जीरो आई है, रूट तो हैं रियल, तो फिर देखें कि भी सम ऑफ द रूट्स तो प्लस वन है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस सिक्स है, तो दो नेगेटिव आई है और दो नंबर का जो जोड़ किया वो हमारा पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, क्योंकि आया है तो एक तो नेगेटिव है ही, जैसे मिडिल पार्ट स्प्लिट करके देखें तो माइनस तीन, या कह दें कि भी एक्स बराबर है, देखें एक्स माइनस तीन इंटू में एक्स प्लस दो इस प्रकार से, और उसको यदि जीरो करोगे तो एक्स बराबर के रूट कौन कौन से आए, तीसरा जो फॉर्म है x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू और ये बराबर जीरो, तो x बराबर तीन रखेंगे तो तभी तो जीरो, तो फिर यहां हमने इसके ऊपर मोड लगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मोड माइनस सिक्स इज इक्वल टू, यदि मोड लगा दिया तो फिर कहेंगे फिर वही कहानी कि इस साइड में जो ग्राफ है उसको पलट दो, तो पलटेंगे और इधर वाले का कोई लेना देना नहीं, मिटा दिया, तो यूं सी कुछ कंडीशन ग्राफ की फिगर सी रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ यदि तीन है तो यहाँ फिर माइनस तीन है, सिमेट्री है भाई, तो दो रूट हैं इसके,
इसके दो एक्स की वैल्यू आएंगी जो जीरो कर देंगी, और नहीं है नो रूट। एक अंतिम जो कंडीशन है उसको भी देख लें, तो मोड लगाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू, तो इसको भी देखेंगे जो सम ऑफ द रूट्स है वो माइनस वन है और प्रोडक्ट ऑफ द वो माइनस सिक्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माइनस सिक्स है तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, ठीक है भाई। और सम ऑफ द रूट्स भाई जोड़ घटा का आया तो कुछ नहीं कह सकते दोनों के बारे में, दोनों जमा के तो हो नहीं सकते, या तो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, या इस माइनस छः ने तो बताई ये बात के भाई एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो या तो उसी प्रकार की स्थिति आई जैसे पिछले को मिडिल पार्ट स्प्लिट करोगे तो ये एक्स प्लस थ्री और इन टू एक्स माइनस टू आया, एक्स प्लस थ्री या थोड़ा सा इससे भिन्न, तो एक्स प्लस थ्री और उसको जीरो कहोगे करोगे तो एक्स बराबर है माइनस तीन। देखो इसकी कंडीशन एक्स बराबर है माइनस तीन और एक्स बराबर दो, जमा वाले पर ध्यान देना है, ये दो यहाँ सी है तो इसका ग्राफ अब यूं सी आया। देखो इसकी बात है लेकिन फिर वही के भी ग्राफ जो इस साइड में है उसको तो पलटना है और इधर वाले को कोई लेना देना नहीं, मिटा दो। तो फिर यूं सी जैसे तो सेम ये मान लिया थोड़ा सा घूमे भीगा जहाँ टर्न कर रहे हैं तो यहाँ से ही हमारा माइनस दो आ गया, तो दो रूट आ गए दो और माइनस दो किसके बस लग रहा है ना उसके हमारा खाली भी, ठीक है। अब इसी पर हमने एक दो क्वेश्चन और लिया ग्राफिकली डिस्क्रिप्शन को सोल्व करो, जैसे यहाँ तो क्वाड्रेटिक ही है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स माइनस टू और इसके ऊपर मोड लगा दिया और यहाँ लिख दिया सिक्स इज इक्वल टू जीरो, सोल्व दिस इक्वेशन, हाउ मैनी सोल्यूशन आर देयर। और फिर वही बात है कि भी एक्स क्योंकि यहाँ भीतर में इसके समस्या एक्स माइनस टू है, दो रख देंगे तो जीरो हो गया। देखो जीरो एक वेरी इंपॉर्टेंट नंबर विच डिवाइड्स द होल रियल नंबर इंटू टू पार्ट एज पॉजिटिव और नेगेटिव, हमें तो भीतरी भाग पॉजिटिव और नेगेटिव से लेना देना है, दो से बड़ी वैल्यू डाल देंगे तो पॉजिटिव, तो फिर तो पॉजिटिव है तो ये एज इट इज जैसे यू का यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू भीतरी भाग पॉजिटिव ट्रीट नो मोड यानी एक्स माइनस टू सीधा लिख दिया और प्लस फोर प्लस एक्स प्लस टू इसके लिए तो ये काम आएगी, और यदि दो से छोटी है वैल्यू तो माइनस आगे लगा दो एक्स स्क्वायर माइनस बाहर लगाया और एक्स माइनस टू को ऐसे लिख दिया, यहाँ प्लस था और प्लस सिक्स कब है ये वैलिड जब एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स अभी कोई वैलिडिटी है इसमें, ध्यान रहे ऊपर से एक्स आता हुआ दिख रहा है कि भी दो या दो से बड़ा है आवाज दे रहा है एक्स, क्या दो से बड़ा या दो के बराबर एक्स यदि है कोई यहां जो जीरो कर रहा हो तो सबसे पहले इसके बारे में जानकारी ले भी पॉलिनोमियल है क्या, इसके रियल रूट तो हैं क्या, तो डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं बी स्केयर माइनस फोर ए सी, तो बी स्केयर का मतलब वन माइनस फोर, तो बोले कि ये तो रियल रूट ही नहीं है इसके तो जीरो कोई एक्स बना ही नहीं रहा, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू दो या दो से बड़ी हो ये कभी जीरो बनने वाला नहीं है, इसका मतलब हमने दो या दो से बड़े के लिए देख लिया इस इक्वेशन का कि भी जीरो बनने वाली नहीं है। अब आते हैं दो से छोटे के लिए, तो दो से छोटे के लिए फिर आए इसमें कि भी क्या डिस्क्रिमिनेंट यहाँ कुछ दिखाई दे रही है, तो बी स्केयर माइनस फोर ए सी ये तो और भी गलत हो गया सारा, यानी कि कोई ऐसा एक्स है ही नहीं जो इसको जीरो कर दे, डिस्कशन चल रही थी वेन एक्स लेस देन टू, लेकिन ओवरऑल फॉर ऑल एक्स वी कैन कंक्लूड नो एक्स
फॉर विच दिस इज जीरो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारी लेस देन जीरो आई है, बी स्केयर माइनस वन का स्केयर, तो दैट मीन्स नो एक्स फॉर विच दिस इज जीरो, तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इस इक्वेशन का। हो सकता है या माइनस वगैरह आ जाए और फिर अपने आप इस क्वेश्चन को अपने आप सोल्व करके देखो कि भी क्या इसके सॉल्यूशन हैं। मान सॉल्यूशन आ रहे हों, लेकिन इसको भी ध्यान में रखना है, ये बोल रहा है भी एक्स दो या दो से बड़ा ही आए कोई आता है, तो यदि कोई वैल्यू एक्स की दो से छोटी यदि आ गई है तो उसको रिजेक्ट कर देना, इसकी भी माननी है इसकी भी माननी है, दोनों के साझे सॉल्यूशन से ही हमारा एक्स आए, सिमिलरली इससे ये आए, जितने हल आए हमने हल निकालने नहीं है वास्तव में, यदि रियल रूट आ जाएं, हम थोड़ा सा और कल इसके बारे में खोल करके डिस्कस करेंगे।